सो हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। तो बिना किसी टाइम थोड़े स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो टाइटल तो आपने पढ़ लिया होगा। तो बिना किसी झंझट के और वो सब बकते हुए, अरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वो सब झंझट अब भाड़ में जाए। तो वीडियो को करते हैं शुरू फटाफट से। तो नंबर 5 का जो हमारा प्लेयर आता है वो बहुत ही ओपी प्लेयर है, पर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था ये प्लेयर ज़्यादा अच्छा है या वो प्लेयर ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने रखा है वो प्लेयर है, नेक्स्ट लेवल प्रो है भाई, क्या ही बोले भाई इस प्लेयर के बारे में। अरे आप मेरे हेडशॉट देखो भाई, अरे यार अंतर में सब्सक्राइब नहीं मिला, फिर से जो भाई माफ़ कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दिया। तो ये बहुत ही ओपी प्लेयर है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वीडियो देखो भाई, जस्ट एक बार वीडियो देखो भाई, क्या ही खेल ओपी, देखो भाई देखो, देखो इसका वीडियो देखो भाई। अगर ये बंदा आपके वीडियो अगर ये बंदा आपके गेम प्ले में आ गया तो आपको क्या लगता है आपके इसे मार सकते हो या नहीं? जस्ट एक बार इसका वीडियो देखिए। ओ भाई ओपी वाला, तो आप लोग ज़्यादा इसका वीडियो नहीं देखेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। ये बहुत ओपी यूट्यूबर है, नेक्स्ट लेवल का प्रो है। पर ये 5 नंबर पे कैसे आया? अरे यार आप लोग बोल रहे हो कि अरे यार इसको तो नंबर 1 पे रहना चाहिए था, ये 1 टैप बहुत ही बढ़िया मरता है बंदा, एकदम ओपी बंदा है। तो नंबर 4 पे जो आता है वो भी बहुत ही अच्छा प्लेयर है, मेरा मतलब मेरे जड़ से डाउट आ रहा था कि PNL अच्छा प्लेयर है या विंसेंट जो, क्योंकि ये भी बहुत ही बढ़िया प्लेयर है भाई साहब, ये क्या ही खेलता है भाई, क्या ही बंदा है साहब भाई, मारो मुझे मारो, ओ भाई मारो मुझे, इसका 1 टैप जस्ट एक बार देखो, आवा करवा मां। हम लोग ज्यादा इसके वीडियो नहीं देखेंगे, बहुत ऊंची बनता है, अलग ही लेवल के प्रो जिसको बोलते हैं ना वो प्लेयर है यार भाई, क्या ही खेलता है बंदा, को हेडशॉट देखता है एक बस की बस ये स्नाइपर से, ओ भाई मारो मुझे मारो यार मारो मुझे मारो, सचमुच में मैं बोल रहा हूँ मारो। तो जो अभी नंबर 3 पे आ रहे हैं वो एक तो भी नेक्स्ट लेवल प्रो है भाई, उसका 1 टैप वो इंडिया का बंदा है, नेक्स्ट लेवल 1 टैप देता है भाई सा, मुझे आप लोग इसे देख के बोलेंगे अरे यार ये तो नंबर 1 पे आना चाहिए था, पर नंबर 1 पे जो ऐसा बंदा है जिसको मारना बहुत ही कम लोगों के बस में है। और जो नंबर 3 पे आ रहे हैं अब आप लोग चप्पल उठे या मत, क्योंकि नाम देखकर इतना गुस्सा आ जाएगा कि ये बंदा इस नंबर पे, हाँ तू क्या पागल बगल हो गया है क्या, वो ये क्या पागल, तू मुझे आप प्रो का भी चप्पल उठा के बोल रहे हो क्या, अबे पागल है क्या, राइस्टर 1 टैप मारने में स्पेशलिस्ट है, इसको कौन मार सकता है यार, ये राइस्टर है, राइस्टर क्या तुझे पता है राइस्टर का मतलब, अरे यार रुको जरा सबर करो, ये नेक्स्ट लेवल प्रो है भाई साहब, आप एक बार इसका वीडियो देखो जस्ट, ओ भाई 1 टैप देखो जस्ट, मोबाइल का स्पीड देखो जस्ट, और ये एक मोबाइल प्लेयर है मैं आपको ये भी बोल देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थान ने हल्का सा हक दिया, पर कोई बात नहीं कोई बात नहीं राजस्थान भाई, अब अरे यार राजस्थान ने हक नहीं दिया, हक नहीं दिया, सॉरी सॉरी माफ कर दीजिएगा राजस्थान फैन,
तो ये जो सी प्लस है ये भी बहुत ही ओपी बंदा है, आप लोग इसे नुबड़ा मत समझिएगा, मेरा मतलब कोई भी नुबड़ा नहीं है, मैं ही नुबड़ा हूँ, माफ कर दीजिएगा रायस्टर फैंस, माफ कर दीजिएगा। ग्लूआ का स्पीड देखो जस्ट, तो हाँ तो दुनिया भर के बंदे जानते हैं ये वर्ल्ड फर्स्ट स्प्लेयर बोलते हैं, पर ये वर्ल्ड फर्स्ट स्प्लेयर ये नहीं, अगर होता तो ये एक भी मैच नहीं हारता, ये अच्छा बंदा है, पर जो नंबर वन है उसके सामने कुछ भी है, मतलब कुछ नहीं कह सकते। राजस्थान फैन माफ कर दीजिएगा, राजस्थान नेक्स्ट लेवल प्लेयर, मैं तो उसकी बराबरी क्या, उसके किनारे में भी नहीं आ सकते, किनारे की भी किनारे में भी नहीं आ सकता। और दूसरे नंबर पे है, पहले मुझे लगता कि राइस्टार का आतंक पृथ्वी में मचा ही रहेगा, राइस्टार को कोई नहीं हरा सकता, अरे राइस्टार को तो कोई हराने वाले एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, बस उसको टक्कर कोई दे सकता है जैसे ज्ञान किशन को, स्नाइपर लॉर्ड, अरे यार राइस्टार को कोई नहीं कर सकता, पर एक बंदा ऐसा आया जिसने ऐसा काम किया जो कि दुनिया का शायद कोई भी बंदा नहीं कर सकता, या फिर वो जो नंबर वन पे हैगा जो दो भी नहीं कर सकता, ये है जमाने जे भाई, ये भाई इसने ऐसा काम किया जो कि भाई दुनिया भाई खत्म हो जाए, उसने राइस्टार को जो कि नेक्स्ट अलग ही लेवल का वन टैप स्पेशलिस्ट है उसको 6-0 से हराया। ओ भाई मारो यार, मुझे मारो यार, कोई मुझे मारो यार, मारो, ये बहुत ही ओपी प्लेयर है भाई साहब, इसको मैं भी सब्सक्राइब कर देता हूँ भाई, 7SR जय भाई, इसको हराना भाई राइस्टार को हरा दे सकता है, तो आप लोग सोच सकते हो, मुझे तो लगता था एक समय कि राइस्टार जैसे को कोई नहीं हरा सकता यार, उसको सिर्फ उसको कोई टक्कर दे सकता है, पर राइस्टार को ऐसे कोई हरा सकते हैं भाई साहब, और वो भी 7-0 से। अरे टकले बीस बार बड़े सुपुर हो, हल्का सा वीडियो देख लेता हूँ, अरे यार 20 मेरा फेवरेट यूट्यूबर है तो कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाएगा। तो नंबर वन पे जो प्लेयर आते हैं उसको हराना बहुत ही मुश्किल है, वो शायद आज तक कभी मरा ही नहीं, ओ भाई आप लोग सही सुन रहे हैं, वो आज तक कभी मरा ही नहीं भाई साहब, तो आप लोग शायद समझ ही चुके हैं मैं किसका बात कर रहा हूँ, वो है B2K, यार B2K, ओ सॉरी भाई, अरे मैं अनसब्सक्राइब कर दिया था क्योंकि वीडियो में जरा सा वो सब बना रहे, तो B2 के जरा देखो भाई, ये देखो ये आप अज्जू भाई को AWM, अज्जू भाई कभी कभी महक, अरे यार अज्जू भाई फैन सॉरी, अज्जू भाई भी कभी कभी बहुत बार मर जाते हैं, अरे मर तो मैं भी बहुत बार जाता हूँ मैं भी, अरे यार मैं तो ज़्यादातर मरता हूँ, सिवा से 34 बुआ है और वो भी 396 मैचेस में, वो सब छोड़ो मैं तो यार एकदम ही नूब रहा हूँ। वैसे अज्जू भाई का अगर आप गेम प्ले देखते हो तो हर वक्त ये नहीं कि उस सोलो वर्सेस स्क्वाड या स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड में हमेशा वो जीतते हैं, ऐसा नहीं है कि अज्जू भाई कभी मर ही नहीं सकते क्लासिक या रैंक गेम में, क्लैश स्क्वाड रैंक में मरना आम बात है क्योंकि क्लैश स्क्वाड रैंक में जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि क्लैश स्क्वाड रैंक मैच और रैंक मैच अलग गेम है, और अज्जू भाई ऐसा नहीं होते कि एकदम अंदाजे से मार देते हैं, और AWM किंग देख लीजिए भाई, AWM किंग कौन है, मुझे तो नहीं लगता कि अज्जू भाई AWM किंग मुझे लग रहा है कि बॉर्न टू किल है भाई साहब, आप इसका एक बार गेम पे देखो, अभी अज्जू भाई फ्रेंड्स मुझे तो खत्म ही करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो AWM किंग तो ऑब्वियस अज्जू भाई को बोला जाता है, पर सुबह से ठीक है अज्जू भाई है AWM किंग्स, अरे यार क्या बोल रहा हूँ यार, मेरे हिंदी तो वीक क्यों है, अरे यार अज्जू भाई फैन सॉरी, अज्जू भाई AWM किंग है, पर एक बार सिर्फ B2K का जस्ट वीडियो देखो, आप बोलना कि AWM किंग कौन है, आप जो भी चाहे वो बोल सकते हैं, पर AWM किंग कौन है बस इसका बहुत सारे वीडियो देखने के बाद बोलो भाई, B2K के सामने भाई क्या बोल रहा हूँ, देखो भाई वीडियो देखो, देखो भाई वन टैप देखे जस्ट, और जो अज्जू भाई है या
या फिर जो बंदे हैं जो कि यानी 5 to 2 के लिस्ट में है, वो लोग हर ना कभी ना कभी तो मरे हैं। पर बॉर्न टू किल के मैं आज तक जितना भी वीडियो देखा हूँ उसने ये कभी भी नहीं मरा। जो है तो बहुत बार मरते हैं, हाँ ये तो आम बात है मरना, पर बॉर्न टू किल का एक भी वीडियो देखे तो कभी भी बॉर्न टू किल मरते हुए नहीं देखा है। हाँ क्योंकि ये बॉर्न टू किल है, नॉट की बॉर्न टू डेथ है। मैं हूँ बॉर्न टू डेथ, मुझे अपना नाम भी रखना चाहिए बॉर्न टू डेथ। वो सवाल आ गया, आप इसे बस वीडियो देखो भाई, आप इसका वन टैप देख रहे हो वो भाई को। ओ भाई वन टैप देखो जस्ट, ओ भाई सा वन टैप देख रहे हो जस्ट इसके। मुझे नहीं लगता एक गोली से ज्यादा मरता भी होगा। ओ भाई अभी अगर बोला जाए मेरा पर्सनल फेवरेट यूट्यूब चैनल यूट्यूबर कौन है तो वो है अज्जू भाई और एसके सबीर और ये बॉर्न टू किल भाई। बॉर्न टू किल मेरा सबसे फेवरेट यूट्यूबर है अज्जू भाई के बाद, क्योंकि अज्जू भाई मेरा सबसे फेवरेट यूट्यूबर है। भले ही वो नंबर वन पे नहीं आया होगा पर फिर भी यार अज्जू भाई और देसी गेमर्स, हाँ देसी गेमर्स कैसे भूल सकते हैं यार अमित भाई। अमित भाई से बस फ्री फायर ही नहीं खेलते, मुझे लगता है बॉर्न टू किल को भी कभी कभी माइनक्राफ्ट वगैरह भी ट्राई करना चाहिए। हमेशा फ्री फायर बोर नहीं हो जाते हो क्या तुम लोग? तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को करते अंत। और वैसे बहुत से सेम डायलॉग क्या, अरे यार डायलॉग दिखा, अरे डायलॉग तक भी मैं भूल गई यार। हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्या लिखा है शेयर कीजिए। अरे शेयर करने से क्या होता है, अरे वो सब मुझे नहीं पता। और क्या लिखा है, क्या शॉर्ट करते हैं, क्या ये शॉर्ट क्या है? और कमेंट करें, अरे कमेंट क्या होता है भाई मुझे कुछ भी नहीं पता, बहुत हो गया ओवर एक्टिंग। तो वीडियो करते हैं अंत। तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, तो ठोक दो यार लाइक के बटन पे AWM का पट्ट सा हेडशॉट ठोक दो। और सब्सक्राइब के बटन पे आप लोग M187 का वन टैप ठोक दो ठीक है, और डेजर्ट ईगल का भी ठोक देना।